भारत ने अब तक के सबसे वजनी उपग्रह जीसैट 11 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुआना से अंतरिक्ष रवाना कर दिया है। सैटेलाइट का प्रक्षेपण बुधवार सुबह किया गया है और सैटेलाइट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष के ऐतिहासिक कदम रखा है। इस सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आर्यानेस स्पेस का प्रक्षेपण यान आर्यान 5 इस सैटेलाइट को लेकर गया है और बता दें कि इसका वजन करीब है 5854 किलोग्राम है, जिसका निर्माण इसरो ने किया है और इसरो निर्मित सबसे ज्यादा वजन का सैटेलाइट है। जीसैट 11 अगली पीढ़ी का हाई थ्रूपुट का संचार सैटेलाइट है, जिसका विन्यास इसरो के I-6 के इर्द गिर्द किया गया है। यहाँ 15 साल से ज्यादा समय तक काम आएगा और इसे शुरू में 25 मई को प्रक्षेपित किया जा रहा था, लेकिन अतिरिक्त तकनीकी जाँच को लेकर इसके प्रक्षेपण की तारीख बदल दी गई और बताया जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में रहेगा। सैटेलाइट इतना बड़ा है कि इसका हर सोलर पैनल 4 मीटर से ज्यादा लंबा है। तो बता दें आपको कि ये 15 साल से ज्यादा समय तक काम आएगा और इसे शुरू में 25 मई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन अतिरिक्त तकनीकी जांच को लेकर इसके प्रक्षेपण की तारीख बदल दी गई और बताया ये भी जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में रहेगा और सैटेलाइट इतना बड़ा है कि इसका सोलर पैनल 4 मीटर से ज़्यादा लंबा है। तो बता दें आपको एक बार फिर से कि भारत ने अब तक के सबसे वजनी उपग्रह जीसैट 11 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुआना से अंतरिक्ष रवाना कर दिया है और सैटेलाइट का प्रक्षेपण बुधवार सुबह किया गया। इस सैटेलाइट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कदम रखा है और इस सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आर्यानेस स्पेस का प्रक्षेपण यान आर्याने 5 का सैटेलाइट को लेकर गया है और बता दें कि इसका वजन करीब 5854 किलोग्राम है, जिसका निर्माण इसरो ने किया है और ये इसरो निर्मित सबसे ज्यादा वजन का सैटेलाइट है। जीसैट 11 अगली पीढ़ी का हाई थ्रूपुट का संचार सैटेलाइट है, जिसका विन्यास इसरो के I-6 के इर्द गिर्द किया गया है और ये 15 साल से ज्यादा समय तक काम आएगा और इसे शुरू में 25 मई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन अतिरिक्त तकनीकी जाँच को लेकर इसके प्रक्षेपण की तारीख बदल दी गई है और बताया ये भी गया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर आपको बता दें कि ऑर्बिट में रहेगा और सैटेलाइट इतना बड़ा है कि इसका हर सोलर पैनल 4 मीटर से ज़्यादा लंबा है।